तो क्या चाहते हो पूछना, किसी के लिए नहीं कर रहे हो आप, किसी के लिए ज्ञान सुनते नहीं हो, किसी के लिए योग नहीं करते हो, अपने लिए करते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई दिखता नहीं मुझे, नहीं किसी के लिए नहीं, अपने जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। जाते समय क्या ले जाएंगे पूछना रोज, मैं किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए मुरली सुनने आते हो, किसके लिए योग करते हो, किसी के लिए नहीं। कारण बताएंगे, बच्चे बीमार थे, आज ये था, आज वो था, किसको बता रहे हो, अपने तकदीर को बताना है ना, ये याद रखना। कभी कारण बताते हो, आज ऐसा था, आज ऐसा था, किसको बता रहे हो, अपने तकदीर से, अपने तकदीर बनाने का सारे कलप के अंदर ये एक समय है। चाहे तकदीर को ऊंचा बनाओ तो तकदीर को बिगाड़ो, आपके हाथ में। तब कहते हैं तकदीर भविष्य आपके हाथ में, जैसे चाहे वैसे रेखा खींच सकते हो। तब बाबा ने कहा बच्चे कलम आपके हाथ में दिया है, कितनी लंबी रेखा खींचना चाहते हो खींच सकते हो, क्योंकि भगवान डायरेक्ट रोज पढ़ाता है बच्चे ऐसा करो ऐसा करो, उसके कहने अनुसार अगर करते हो तो जो चाहे बन सकते हो। अगर उसके कहने अनुसार नहीं करते, बाबा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं कर सकते, अपने मन मन से करो, जो करेंगे वही मिलेगा। समझ में आया, किसी के लिए नहीं कर रहे, किसी के लिए नहीं जी रहे हो, अपने लिए जी रहे हो, अपने लिए कुछ कर रहे। समय नहीं, ऐसा नहीं बोलना कि 24 घंटे हैं, 23 घंटे आप जो चाहे करो, आधा घंटा अपने भविष्य की जमा करने के लिए समय निकाल।